उज्जैन प्राचीन माता मंदिर के आंगन में विश्व का भला हो, गंभीर महामारियों का अंत हो, इसी कामना को लेकर अनुष्ठान और यज्ञ किया जा रहा है, जहां श्रद्धालु परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उज्जैन से करीब 25 किलोमीटर दूर रूपाहेड़ा ग्राम पंचायत में पहाड़ी पर बड़ा ही प्राचीन माता का मंदिर है और यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। माता रानी के दर्शन करने के लिए इस समय इस मंदिर पर कम संख्या में भक्त दिखाई दे रहे हैं। गंभीर महामारी कोरोना वायरस का असर दिखाई दे रहा है, पर मंदिर परिसर के अंदर गंभीर महामारी का अंत हो और विश्व में सबका भला हो, इसी कामना को लेकर 9 दिन तक अनुष्ठान यज्ञ किया जा रहा है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। यह कौन सा मंदिर है और अभी चैत्र की नवरात्रि के दौरान किस प्रकार से पूजा अर्चनाएं हो रही हैं और क्या हो रहा है? यह है टोंक माता मंदिर का नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे, और यहाँ पे शाम के सुबह 7 बजे आरती होती है। कहाँ कहाँ से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और आसपास के सभी भक्तजन आते हैं। करीब कितना पुराना यह मंदिर होगा? और प्राचीन है। अच्छा, काफ़ी पुराना मंदिर है। बहुत काफ़ी पुराना। अभी कौन कौन सी पूजा और आरतियाँ हो रही हैं और क्या रहता है? हवन चल रहा है और पाठ चल रहे हैं। कितने दिन तक चलेगा ये हवन? 9 दिन तक। 9 दिन तक चलेगा? हमेशा किया है? कितने वर्षों से आयोजित हो रहा है? ये हो गए 7 साल। वैसा भाई, ये जो मंदिर है किस ग्राम पंचायत में आता है और करीब कितना पुराना यह मंदिर है और क्या अतीत बताते हैं इस मंदिर का? यह मंदिर हमारी ग्राम पंचायत रूपाहेड़ा में आता है और ये प्राचीन मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। और अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे भक्तजन बहुत कम संख्या में आ रहे, जो हर साल की ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर, इस बार लॉकडाउन की वजह से बहुत कम भीड़। अच्छा, कहाँ से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और क्या रहता है? यहाँ के आसपास करीबन 50 गांव हैं जो कि यहाँ भक्त बनाते हैं और भक्ति का लाभ लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।